राजकुमार अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण के आदेश पर हमारे महाराज एवं आपके पिता श्री महाराज द्रुपद को बंदी बना वर्णावत में सभी पांडव माता कुंती के साथ जल कर राख हो गए, उनका देहांत हो गया। हे वासुदेव, ये क्या हो गया? भाग्य की रेखा कौन मिटा सकता है? राजकुमारी रहने से क्या होगा? क्या अनर्थ सौभाग्य में बदल जाएगा? राजकुमारी, हृदय में इतनी वेदना रखना उचित नहीं है। यदि आप हमें अपनी सखी क्या हो रहा है? दुर्भाग्य अपने माथे पे लिखवा किया है। के द्वारा ठुकराए जाने के लिए हुआ जब श्री कृष्ण के आदेश पर हमने अर्जुन को मन ही मन वरण किया, तो आज नवंबर से पहले अर्जुन के मृत्यु का संदेश हमारे साथ क्या हो रहा है? कुछ
तुम्हारी कितनी विचित्र स्थिति है ना। सर्वप्रथम आप स्वयंवर को स्थगित करने का आदेश दे दीजिए। हम तुम्हारी मनोस्थिति समझते हैं, किंतु यह असंभव है। यह स्वयंवर हेतु भीष्म द्रोण अश्वत्थामा कृपाचार्य बलराम पधार चुके हैं। इसके अतिरिक्त जयद्रथ शैल्य कृतभामा सत्याकी शिशुपाल जरासंध और वो दुष्ट दुर्योधन एवं उसके भ्राता अंग नरेश कर्ण शकुनी इनके साथ विद्वान पंडित एवं शास्त्रज्ञ भी आ गए। अब यदि स्वयंवर स्थगित हुआ तो उनका
में किसी राज्य ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में बाकी राजाओं ने उनका साथ दे दिया, तो उनकी सामूहिक शक्ति के सामने पंचाल राज्य को झुकना पड़ेगा। पंचाल पर घोर विपत्ति आ जाएगी, अर्थात देश के मंगल एवं पिताश्री के सम्मान हेतु ये स्वयंवर करना ही होगा। किंतु भ्राता, आपको ये ज्ञात हो कि हमारा स्वयंवर तो केवल एक प्रयोजन था। हमारा विवाद तो अर्जुन से होने वाला था। जब अर्जुन ही नहीं रहे तो इस स्वयंवर का क्या औचित्य? सत्य कहा तुमने द्रौपदी, ये स्वयंवर केवल एक प्रयोजन और प्रयोजन ही रहेगा। तुम्हें भी ज्ञात है हमने स्वयंवर में धनुर्विद्या की ऐसी प्रतिस्पर्धा रखी है जिसे केवल अर्जुन ही भेज सकता था, एवं अब जब अर्जुन नहीं रहा तो इस प्रतिस्पर्धा को कोई जीत नहीं पाएगा। अर्थात ये स्वयंवर केवल एक दिखावा मात्र है, यहाँ कोई विवाद नहीं होने जा रहा है, यहाँ कोई ऐसा महारथी नहीं जो इस प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य को भेद सके। तुम्हें केवल स्वयंवर में सम्मिलित होना है तथा वापस आ जाना है। स्वयंवर का आप कोई अभिप्राय नहीं? ध्रुपद नंदिनी, हमें क्षमा करना, किंतु ये स्वयंवर स्थगित नहीं होगा। स्वयंवर का आप कोई अभिप्राय नहीं? आप तो ये केवल दिखावा मात्र रहे क्या? तो भ्राता क्या ऐसी स्थिति राजा महाराजाओं के झूठे अहंकार हेतु हमें प्रदर्शनी बनना पड़ेगा?
तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं? क्या उसका कोई औचित्य नहीं? ये उचित नहीं है भ्रात। द्रौपदी, देश एवं शासन के लिए कई निर्णय ऐसे करने पड़ते हैं जो अनुचित ज्ञात हो सकते हैं, किंतु भविष्य में के लिए अतिथि गृह जाना है। इसी कारण हेतु हम तुम्हें लेने आए हैं। बहना, हमें विवश मत करो, हमें किसी से भेंट नहीं करना। राजकुमारी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपका यही विचार है ना कि स्वयंवर स्थगित कर दिया जाए? अतः इस परिस्थिति का उपाय केवल एक ही व्यक्ति के पास है, एवं वो है श्री कृष्ण। जी हाँ राजकुमारी, यदि आप श्री कृष्ण के समक्ष अपने हृदय की बात रखेंगी तो कदाचित वासुदेव के साथ तो बहुत से लोग होंगे, हम सबके समक्ष उनसे अपने हृदय की बात कैसे कह सकते हैं? राजकुमारी,
कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। एवं हमें महाराज श्री कृष्ण के सत्कार हेतु तो जाना है ही ना। राजन, ऐसा हास्यास्पद दृश्य हमने कभी नहीं देखा। समस्त राजाओं एवं राजकुमारों को इस प्रकार प्रतियोगिता की तैयारी करते देखना अत्यंत विनोदी अनुभव है। प्रत्यंचा चढ़ा रहा है तो कोई मूसल एवं गदा युद्ध का अभ्यास कर रहा है और दुर्योधन अपने मामा श्री शकुनी के निरीक्षण में गदा युद्ध का अभ्यास कर रहा है। दुशासन मल्ल युद्ध का ये सभी बड़े योद्धा हैं, किंतु इस प्रतियोगिता के समक्ष अब बहुत बालक जान पड़ रहे हैं। समस्त दृश्य बड़े ही मनोरंजक एवं विनोदी बन पड़ रहे हैं। आओ पुत्री, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कृष्णा विवाह स्थगित करना चाहती हो?